जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आईएएस विद हरिमोहन एन इंस्टीट्यूट फॉर एनालिटिकल स्टडीज। दोस्तों आज हमारे पास एक नहीं दो नहीं तीन तीन खास मेहमान हैं, जिसमें सबसे पहले स्वागत हम हमारे जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहां से मुजफ्फर जी का करेंगे। यकीन मानिए जिस तरीके से मैं इनके खुद चैनल को फॉलो करता हूँ, ये एक अल्टीमेट लेवल का डिस्कशन है। इसीलिए जो मैंने आज पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल डिस्कशन रखी, उनसे स्पेशली रिक्वेस्ट करी कि सर थोड़ा सा टाइम दीजिए। तो सबसे पहले मुजफ्फर जी आपका स्वागत है भारत के इस चैनल पर। दूसरा हमारे रोहित शर्मा जी हैं और अभिषेक मिश्रा जी हैं। इन ये किसी पहचान के मतलब जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन के लिए इनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज जो मेरा टॉपिक है वो सिंपल कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं, एक जिस तरीके से जो बिलावल भुट्टो हैं वो जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट हैं, और जो उनके फादर हैं वो कह रहे हैं प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। यहाँ डेमोक्रेसी से ज्यादा हमारे को एक परिवारवाद, जिसे हम नेपोटिज्म या फैमिली पॉलिटिक्स कहते हैं, वो ज्यादा नजर आ रही है। वहीं अगर हम नवाज शरीफ को भी देखें तो नवाज शरीफ की भी खुद उनके छोटे भाई, उनकी बेटी, उनके दामाद यही दिखाई दे रहे हैं। इमरान खान का जो मामला है वो जिस तरीके से है उसको भी थोड़ा सा हम टच करने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वहां पर वो सारी चीजों में, चाहे वो साइडलाइन हो रहे हैं, चाहे उनके ऑरा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, कुछ भी। तो सबसे पहला सवाल हम मुजफ्फर जी से ही शुरू करने की कोशिश करेंगे। सर पाकिस्तान का आज के दिन का पॉलिटिकल सिनारियो क्या है, और उसमें डिफरेंट पॉलिटिकल एंगल्स अगर आप बताएं तो थोड़ा सा अच्छा हमें मदद मिलेगी। थैंक यू सर। ये सबसे पहले तो आपके तमाम जो देखने वाले दर्शक हैं उनको मेरा नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने व्यूज में आपके जो तमाम देखने वाले उन तक पहुंचाऊंगा। तो आपका जो सवाल है सर, बहुत ही पाकिस्तान के जो इस वक्त हालात हैं वो इसी तरीके के, कुछ समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो जा किस तरफ रही है। आपने बात की कि बिलावल भुट्टो जो है अपने आप को समझ रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, उधर से नवाज शरीफ ये समझ रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, और एक जो आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के इस वक्त आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका के टूर पर है, 5 दिन के दौरे पर है। तो क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की अलमिया रहा है कि पाकिस्तान का जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसका जो इंटरव्यू है या तो वो हमारे जो GHQ वहां से होता है या फिर अमेरिका से होता है। तो इस वक्त हमारा GHQ और अमेरिका दोनों एक साथ हैं, और मैं ये समझता हूं कि वहां पर फाइनल जो फैसला होगा वहीं पर होगा कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो किसको बनाया जाए। तो होपफुली, वैसे तो जो नजर आ रहे हालात नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से नवाज शरीफ के खिलाफ जो नैब ने जितने भी केसेस थे उनको वापस ले लिया है, और सुप्रीम कोर्ट से उनको जो नाहल किया गया था जिन भी केसेस में, उनमें उनकी नाहली को भी खत्म कर दिया गया है। तो बाजाहर ये नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के जो नेक्स्ट जो है जो प्राइम मिनिस्टर वही बनेंगे। उसके लिए जितनी भी रुकावटें हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता दूर किया जा रहा है। उनको पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके ऊपर टाइम दिया जा रहा है, उनको उनके जो इंटरव्यूज हैं उनको, बेशक वो जहां भी वो एड्रेस कर रहे हो, अपने कारकुनान के साथ मीटिंग कर रहे हो, जहां भी हो, ये पता चल जाता है कि ये हमारे मीडिया का ट्रेंड क्या है। आपने देखा होगा कि जब 2017-18 का था तो इमरान खान को इसी तरीके से कवरेज दी गई थी पाकिस्तानी मीडिया में, जिस तरीके से अब नवाज शरीफ को बहुत ज्यादा कवरेज दी जा रही है। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए पीपल पार्टी की या बिलावल भुट्टो या जरदारी साहब की अगर बात की जाए, तो बिलाशुबा उनके पास एक सूबा अपना है जो सिंध सूबा है, उसमें उनकी मेजोरिटी होती है, जो भी ज्यादातर सीटें वहां से वो हासिल करते हैं। लेकिन इस वक्त पंजाब से पीपल्स पार्टी का मुकम्मल तौर पर सफाया हो चुका है। मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी जो है वो इतनी सीटें हासिल कर सके कि वो जो है वो गवर्नमेंट बना सके या उनके जो बन सके। तो यहाँ पर एक डील जरूर हो सकती है कि अगर नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है तो जरदारी को जो है मैं देख रहा हूं कि उसको प्रेसिडेंट बनाया जा सकता है। ये एक डील होगी, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों पार्टी के दरमियान। लेकिन फिलहाल जो हमें जो तासर एक नजर आ रहा है कि नवाज शरीफ ने जो जिस तरीके से सिंध के अंदर अपनी एंट्री डाली है, वहां पर बोला है कि हम ज्यादा से ज्यादा अपने उम्मीदवारों को वहां पर खड़ा करेंगे, और GDA भी जो वहां पर MQM भी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ शामिल हो रही है,
बजाहर यही नजर आ रहा कि इनका एक टफ वहां पर एक जोड़ पड़ेगा, और ये यही चाह रहे हैं कि अगर हमारी कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती तो कम अज कम इतनी सीटें हम हासिल कर ले वहां से कि अगर एमकेएम और जीडीए के साथ मिलकर हमें हुकूमत बनानी पड़े तो हम पीपल्स पार्टी को पीछे छोड़ के सिंध के अंदर भी हुकूमत बना सके। तो क्योंकि इस वक्त ज्यादातर जो इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का झुकाव है वो नवाज शरीफ की तरफ है, जरदारी हमेशा उनकी गुड बुक में रहे हैं। आप ये अगर समझें कि जरदारी जब भी जिन हालात में भी रहे हैं जरदारी ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छी बना के रखी है। इमरान खान के दौर में भी आपने देखा होगा कि सेनेट के अंदर जो इलेक्शन हुआ या फिर बलूचिस्तान के अंदर जो हुकूमत चेंज हुई उसमें भी दरपर्दा जो है जरदारी साहब एस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बने, उनके मोहरा बने, उनके मुकम्मल तौर पर उनका साथ दिया। तो ये कोई पता नहीं, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का कोई पता नहीं होता कि किस वक्त क्या हो जाए। अक्सरियत जो है वो अकलियत में बदल जाती है। आपने देखा होगा कि सेनेट के इलेक्शन में क्या हुआ था, जो अक्सरियत ही वो अकलियत में बदल गई। तो ऊपर से जब ऑर्डर आते हैं हमारी जो एजेंसीज हैं या हमारे जो इदारे हैं तो वो फिर जो हमारे जितने भी एमएनए एमपीज हैं वो अपनी वफादारियां तब्दील कर लेते हैं। फिलहाल जो नजर आ रहा है, नजर यही आ रहा है कि नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। लेकिन उसमें अभी जो कुछ डेवलपमेंट ऐसी हुई है कि जिसकी वजह से एस्टेब्लिशमेंट भी कुछ सोचने पर मजबूर हुई है वो ये है कि नवाज शरीफ ये चाहते हैं कि जो एक इमरान खान को जिस तरीके से लाया गया था, जनरल फैज हमीद और कमर बाजवा और इसमें जो जितने भी जहीरुल इस्लाम और बाकी जितने भी नाम है आर्मी के, वो चाहते हैं कि उन सब का एहतसाब हो। आप जानते हैं कि आज तक कोई भी ऐसा काम पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ कि किसी फौजी जनरल का जो एहतसाब हुआ हो। तो इस वजह से नवाज शरीफ को समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप अपने इस मौकफ से दस्तबरदार ना हुए तो हो भी सकता है ऐसे कि पाकिस्तान के जो इदारा है ये जो जिसके हाथ में पावर होती है वो नवाज शरीफ को ये मौका दे ही ना कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। तो देखते हैं, अभी कल परसों ही मैं देख रहा था इंटरव्यू एक दे रहे थे नवाज शरीफ, उसमें बार बार फिर उन्होंने वही जिक्र किया कि मैं जब अगर हुकूमत में आया तो मैं जिन लोग जो इमरान खान को लेकर आए हैं और जिन्होंने मुझे निकाला है और जिन्होंने जिनकी वजह से पाकिस्तान आज जितनी मुश्किल का शिकार है उन लोगों का मैं एहतसाब करूंगा। वो लोग कौन है? वो जनरल फैज हमीद है, वो कमर जावेद बाजवा है और उनके साथ साथ दीगर जो जनरल्स हैं जो उनके साथ थे, आसिफ गफूर है और दीगर जो हैं। तो वो हमारा जो आर्मी वाले जो हमारी फौज है वो नहीं चाहती कि नवाज शरीफ इतना सख्त जो है मौकफ रखे, और उनको समझाया जा रहा है। लेकिन पता नहीं अब क्या बनता है। अब हमारे आर्मी चीफ भी अब इस वक्त अमेरिका में बैठे हैं, वहां से पता नहीं उनको क्या इंस्ट्रक्शन मिलती है, क्या होता है। बहरहाल अभी जो नजर आ रहा है, हालात जो नजर आ रहे हैं उसमें जो मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं वो नवाज शरीफ ही हैं, और बिलावल भुट्टो के अंदर इतनी काबिलियत नहीं है कि वो मुल्क को चलाएं। लेकिन यहाँ पर जो फैसला होता है वो काबिलियत के बिना पर नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो इमरान खान है उन्होंने 4 साल के अंदर मुल्क का कैसे बेड़ा गर्क किया। उन्होंने कोई, उनकी ना तो फॉरेन पॉलिसी अच्छी थी ना उनकी कोई इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी थी। इंडिया के साथ उन्होंने कैसे ट्रेड को बंद करके मुल्क का बेड़ा गर्क किया, सऊदी अरब के साथ तल्लुकात को खराब किया, ईरान के साथ तल्लुकात को खराब किया, मलेशिया के साथ तल्लुकात को खराब किया। तो उन्होंने पाकिस्तान का एक इमेज जो था उसको मजीद खराब करने में इमरान खान का एक हाथ था। एक नाहल बंदे को भी वही लेके आए थे फौज। तो अगर दोबारा से बिलावल भुट्टो को भी वो एक मौका और दे देंगे तो उसमें मुझे कोई हैरत नहीं होगी कि वो पहले भी इस तरह का काम करते हैं। उन्होंने ये देखना है कि ये बंदा जो है हमारे मर्जी के ऊपर काम करता है किस कदर करता है और कितना हमारा कहना मानता है। ये फैसले जो है इसी बिना पर होते हैं कि जो बंदा आने वाला बंदा है वो हमारा कितना ताबेदार होगा। तो वो अभी, लेकिन फिलहाल जो एक कंफ्यूजन सी है इसमें अभी कोई पिक्चर वाजे नहीं है कि पाकिस्तान का जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो कौन बनेगा। भारत दो मजबूत तरीन उम्मीदवार जो है वो नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी ही है। जी जफर जी, थैंक यू वेरी मच। आपने जो एक वर्ड मतलब बताया, लेकिन मैं फ्रेंकली बता रहा हूं, मैं एक बहुत, जिसे कहते हैं ना चिलिंग इफेक्ट, जितना मैं आपकी बातों से समझ पाया, और मैं पहले हमारे अभिषेक जी से और रवि जी से पूछूंगा और उसके बाद दोबारा आपसे इन दोनों ने जो सवाल पूछने हैं उनके सवालों के साथ आऊंगा। सर, चिलिंग इफेक्ट ये है, आपने सबका नाम ले लिया और मुझे एक जिसे ना इन क्रक्स समझ में आया कि जिसे आर्मी चूज करेगी,
इसकी बॉटम लाइन मुझे नजर आई, अगर मैं सही समझ पाया तो, और ये मेरे लिए चिलिंग इफेक्ट है क्योंकि मेरे देश में आर्मी चीफ का नाम 99% लोगों को नहीं पता होता, रॉ का तो भूल ही जाओ, मैं फ्रेंकली बता रहा हूं। यस सर, इसमें एक चीज और ऐड करूंगा, कि जो हमारी आवाम है इस वक्त, हालांकि मैं खुद पीटीआई के हक में नहीं हूं, ना ही मैं इमरान खान का सपोर्टर हूं, लेकिन इस वक्त जो 70-80% लोग हैं वो इमरान खान के हमायती हैं, और तकरीबन 10-20% लोग होंगे कि जो चाहते हो कि नवाज शरीफ आए। ये इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है कि लोग इमरान खान के साथ हैं, लेकिन हमारी फौज नहीं चाहती कि इमरान खान पावर में आए, तो इस वजह से सारे चीजों को मैनेज किया जा रहा है। इमरान खान के उसकी किरदार कुशी भी की जा रही है, आपने देखा हो कि हाजरा खान ने किताब भी लिखी है जिसमें इमरान खान के बारे में जो इस तरह की बातें बताई गई हैं, उनके जो पर्सनल चीजें उनको भी शेयर किया गया है। ये सारी चीजें की जा रही हैं कि लोगों के अंदर जो है वो इमरान खान के खिलाफ वो मुतनफर हो जाएं और उसको उसका, लेकिन लोग अभी फिलहाल पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इमरान खान के साथ ही हैं और वो यही चाहते हैं कि वो, हालांकि पहले भी उसने मुल्क का बेड़ा गर्क किया, लेकिन हमारी आवाम उसी के साथ है कि वो आए और दोबारा से मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करे और मजीद पाकिस्तान को जो है वो इतनी और मसाइल का शिकार बनाए। लेकिन हमारी आवाम को बस वो नफरत निकाल रही है कि जी इमरान खान के साथ जो जुल्म हुआ है, इमरान खान के साथ ज्यादती हुई है, इसको जबरदस्ती इकतदार से निकाला गया, इसने तो अमेरिका को ललकारा था, बस ये एक जो बयानिया इमरान खान ने घड़ा था वो आवाम के दिलों में और दिमाग में बस गया है। वो चाहते हैं कि दोबारा से इमरान खान पावर में आए, लेकिन मुमकिन नहीं है। लेकिन मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है वो इस वक्त इमरान खान के साथ है, मेजॉरिटी ऑफ पब्लिक जो है। अभिषेक जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा जो सवाल है आपसे वो ये है कि जिस तरीके से सर ने बताया, पहली बात इमरान खान आ गया तो क्या होगा उसको तो हमें भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आर्मी इज द की प्लेयर हेयर, वो डिसाइड करेगी, नवाज जिसे 10-20% लोग चाहते हैं वो आए, इवन बिलावल भुट्टो आए, इवन एक्स वाई जेड कोई भी आए, जो जरदारी आए या कोई भी, इमरान आए ना आए आर्मी वुड डिसाइड। एक एज अ न्यूट्रल, मतलब नॉट एज एन इंडियन, एज अ न्यूट्रल, आप किस तरीके से, क्योंकि जिस तरीके के आपकी क्वालिफिकेशन है, आप मुझे लगता है कि इस लेवल को बहुत ही इलेबोरेट कर पाएंगे कि क्यों ऐसा, मतलब इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए सर, उसे एक इंटरप्रिटेशन स्कॉलरिस्टिक अप्रोच के अंदर वो बताइए सर। देखिए, थैंक यू हरी जी, आपने मुझे अपने शो पे इनवाइट किया, इट्स अ प्रिविलेज फॉर मी। मैं तो ये नहीं समझ पाता कि पाकिस्तान में ये इलेक्शन का सोशा छोड़ा क्यों जाता है। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान अपने आप को कॉन्स्टिट्यूशनली एक इस्लामिक रिपब्लिक बताता है, इस्लाम में इलेक्शन की कोई व्यवस्था नहीं है और रिपब्लिक का कोई रिलीजन नहीं हो सकता। रिपब्लिक में जो है पावर या सॉवरिनिटी जो है वो पीपल को बिलोंग करती है, इस्लाम में पावर जो है वो अल्लाह को बिलोंग करती है। सॉवरिनिटी का मतलब या कोई भी पॉलिटिकल पावर का मतलब होता है लॉ बनाना, यानी कि जब लॉ बनाना अल्लाह के पास है और दूसरा लॉ बनाना आप इंसानों के पास दे रहे हो तो कॉन्फ्लिक्ट आ जाएगा कि अल्लाह का लॉ प्रिवेल करेगा कि भैया मानवों द्वारा बनाया गया लॉ प्रिवेल करेगा। ये खिचड़ी जो इन्होंने बनाई है क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होने की वजह से, ये इसका नतीजा है। आपको इलेक्शन का ये फार्स क्यों करना है? अगर आप मुजफ्फर भाई को सुने, उन्होंने साफ बता दिया कि ऑन ग्राउंड पीपल वांट इमरान खान टू बी इलेक्टेड, बट आर्मी नहीं चाहती। भाई आप चाहो ना जाओ, अगर लोग उसको चाहते हैं तो वो ले आए, मगर इमरान खान आके क्या कर लेंगे? इमरान खान कहते हैं कि हमें अफगानिस्तान में तो वो चाहिए, क्या नाम है, शरिया लॉ चाहिए और अपने घर में रूल ऑफ लॉ चाहिए, इलेक्शन चाहिए। इस तरीके का ये जो कॉन्फ्लिक्टेड व्यूज है ना पाकिस्तान का, विच इज द रीजन कि यहाँ पे आप जो जिस पैरामीटर के तहत पाकिस्तान के पॉलिटिक्स को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी में विल ऑफ द पीपल प्रिवेल करेगा, वो है ही नहीं, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं है। वो विल ऑफ द पीपल इज सबसर्वियंट टू द विल ऑफ अल्लाह, अल्लाह के विल के आगे विल ऑफ द पीपल की कोई हैसियत नहीं है, और अल्लाह के विल को प्रोटेक्ट करने का काम आर्मी ने अपने कंधों पर उठाया हुआ है, तो बात खत्म हो गई। जो आर्मी अब अल्लाह की दूत आर्मी है, इसलिए कहा जाता है पाकिस्तान को अल्लाह और आर्मी चलाती है, अल्लाह ने लॉ दे दिया है, आर्मी ने उस लॉ को इंप्लीमेंट करवाना है, सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो काहे की डेमोक्रेसी, वो कोई लोगों को उन्होंने सिखाया क्या है? अगर इलेक्शन के थ्रू कोई गवर्नमेंट बन जाएगी तो गवर्नमेंट क्या कर लेगी, आप बताइए हरिमोहन जी?
गवर्नमेंट का काम होता है कि लॉ बनाना, ठीक है ना, लॉ इंप्लीमेंट करना, लॉ को डिसाइड करना। जब सारे लॉ मौजूद है, इस्लाम के अंदर में लॉ बनाने की सुविधा ही नहीं है, क्योंकि सारे लॉ तो गवर्नमेंट लॉ ने गॉड ने बना के कंप्लीट कर दिए, तो फिर आपको काहे पार्लियामेंट चाहिए भैया। हमारे यहाँ जो लॉ थे उन लॉ ने आपके वैदिक लॉ को डिस्टर्ब कर दिया, वैदिक लॉ को चेंज कर दिया। हमारे यहाँ वैदिक लॉ में शादी डिसॉल्व नहीं हो सकती, जन्म जन्मांतर का मैटर है, वो शादी हो गई तो फिर आप 7 जन्म के लिए फंस गए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने 1955 में हिंदू मैरिजेस एक्ट में सेक्शन 13 इन्वॉल्व ला दिया और कह दिया अब आप डिवोर्स कर लो, अब औरत भी डिवोर्स कर सकती है, महिला भी डिवोर्स कर सकती है और पुरुष भी डिवोर्स कर सकता है। तो आपने वेदों को चेंज कर दिया एक झटके में, ये है पावर ऑफ पार्लियामेंट। इन पाकिस्तान की पार्लियामेंट के पास क्या पावर है, जिसको मजलिस शुरा कहते हैं, क्या पावर है उसके पास? कोई पावर नहीं है। लॉ पाकिस्तान के द्वारा बनाए गए लॉ को एग्जामिन करने के लिए कि वो इस्लामिक लॉ है या नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एक इस्लामिक शरिया काउंसिल है, वो जुडिशियरी से भी ऊपर है। नॉर्मली ये पावर जुडिशियल रिव्यू को होता है, जो हम आप समझते हैं कि भाई हमारे यहाँ जैसे आर्टिकल 370 के ऊपर जो सीओ 272 और 273 आया, यानी सर्कुलर ऑर्डर गया, उसका जुडिशियल तो सुप्रीम पाकिस्तान है, पाकिस्तान में ये पावर शरिया काउंसिल के पास है, तो कोर्ट क्या करती है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। So, इसलिए मैं कह रहा हूं आप प्लीज वो पैरामीटर ना लगाएं जो एक ट्रूली डेमोक्रेटिक कंट्री का होता है टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान। पाकिस्तान इज बेसिकली 80% इस्लामिक कंट्री विद 20% ऑफ डेमोक्रेटिक फार्स, और वो इलेक्शन के थ्रू इस्लामिक गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, जो नहीं पॉसिबल हो सकता, जो संभव नहीं है। वो गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जो है वो पावर सेंटर, जो दूसरा है इनका, उससे वो तीन पावर सेंटर है, आर्मी है, शरिया काउंसिल है, गवर्नमेंट है। अगर आप हिंदुओं से दोस्ती करना चाहेंगे तो ये टू नेशन थ्योरी के लिए जो बैठे हुए हैं वो आपको अलाउ करने देंगे? आपने मतलब जिसे मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान नीड्स अ थियोरेटिकल क्लैरिटी कि आप क्या चाहते हो। आप इस्लामिक स्टेट भी हो लेकिन टीटीपी से फाइट करना है, अफगानिस्तान में अगर एक इलेक्टेड डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट अगर तालिबान उसको फोर्स के बल पे डिसलॉज करता है, तो इमरान खान कहते हैं दिस इज अ गुलामी की जंजीर का तोड़ना। तो आप जब वो गुलामी के इलेक्टेड गवर्नमेंट को वो हटा दे तो वो है गुलामी की जंजीर का तोड़ना, और आप अपने यहां कह रहे हो कि हमको रूल ऑफ लॉ चाहिए। रूल ऑफ लॉ का पहला कंडीशन होता है कि मेन एंड वुमेन आर इक्वल, नॉन बिलीवर बिलीवर आर इक्वल। आप क्या है ये जी बताएं। सर मेरा एक यही क्वेश्चन है ना, एक सेपरेट उस फॉर्मेट में था और इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा इलैबोरेटेड वे में डिस्कस करना चाहूंगा, इसीलिए थोड़ी सी माफी चाहता हूं। रोहित शर्मा जी से एक सवाल है। सर आपके हिसाब से अभी हमने एक स्कॉलरिस्टिक अप्रोच देखी, पॉलिटिकल सिनेरियो देखा, अब मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, पाकिस्तान आर्मी के हिसाब से देखो दो चीजें मुझे कनेक्ट होती हुई नजर आ रही हैं। एक आर्मी चीफ का अमेरिका जाना, क्योंकि आर्मी चीफ का अमेरिका जाना वो भी इलेक्शन के ढपोसले या इलेक्शन के जो प्रोसीजर होने जा रहा उससे पहले, वो क्या आपके हिसाब से, और उसके बाद यहां आने के बाद आर्मी के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल एक न्यूट्रल पैनलिस्ट की अकॉर्डिंग, मतलब न्यूट्रल जो एक एनालिस्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपके हिसाब से कौन सा सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होगा? सर देखिए एक चीज मैं अभी देख रहा था कि ये मुजफ्फर साहब जो बोल रहे थे कि इमरान खान ऐसा था वैसा था, यार एक बात बताओ, उसने गलत क्या किया इमरान खान ने? आपके कंट्री को उसने रियासत मदीना दिखाई, आप सब तो यही सोच रहे थे भाई इस्लामिक कंट्री में रियासत मदीना नहीं बनेगी तो राम राम जी आएगा क्या? उसने आपको रियासत मदीना दिखाई, आपकी आपको किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने नहीं दिखाई, वो दिखा रहा था आपको, आपने उसको भगा दिया। ठीक है, गलत काम है ना भाई, उस आदमी ने तोशाखाना से घड़ी बेच दी, अरे उसका सेल खराब हो जाता पड़े पड़े, बहुत दिन से रखी हुई थी, उसका सेल खराब हो जाता कौन चेंज कराता, उसने बेच दी चल सही, क्या पैसा आया ना, कैसी बात करते हो यार आप? उसने जो लोग उसमें लाइन में खड़े थे आटे की, वो स्ट्रॉबेरी खा रहे थे यार, मतलब तरक्की और रियासत मदीना कैसी चीज है, कोरमा खा रहा था वो निकाल के, एक कबूतर एक वो मोर को बगल में बांध के ले जा रहा था,
पता दिन अच्छे दिखाए उसने आपके कंट्री को, और आप बोल रहे हो यार वो बेकार आदमी था। मैं आपसे बात नहीं बंद करता, बहुत बढ़िया प्राइम मिनिस्टर था वो, दोबारा आना चाहिए। वो आपके रियासत मदीना दिखा के जाएगा, 100% दिखाएगा यार, थोड़ा टाइम तो दो उसको, वो मदीना बना देगा आपके कंट्री को। आप टाइम ही नहीं दे रहे उसको, हटा देते हर बार, तो ये गलत बात है। आई डू नॉट लाइक इट, और मैं पूरा सपोर्ट, अगर मैं इंडिया में बैठ के भी उसके लिए वोट करूंगा, इंडिया में एक जो होता है ना वो बैलेट पेपर, उसमें नीचे लिखूंगा, ऊपर एक होगा बीजेपी कांग्रेस, उसके नीचे हाथ से लिखूंगा पीटीआई इमरान खान, उस पर लगाऊंगा स्टैंप। अब टेंशन मत लेना। तो ये चीज यार तुम लोगों को समझ में नहीं आती, आप लोग पता नहीं क्यों उस बेचारे आदमी के, उसने क्या गलत कर दिया, उसने कुछ गलत नहीं किया। बानीगाला से अपने मकान से काम कर रहा था, आपका उसमें शादियां करवा रहा था प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंस में, वो बताओ और क्या चाहिए। सारी कारें उसने बेच दी, हेलीकॉप्टर में चलता था भले ही, लेकिन कारें उसने बेच दी। यार प्राइम मिनिस्टर के पास 25 कार थी, वो क्या करेंगी? तो फिर ठीक है, लेकिन आई डोंट नो। अब आपके मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूं, ये चीज के पाकिस्तान के पास एक प्राइम मिनिस्टर है, भले ही उस प्राइम मिनिस्टर ने एक वोट ना लियो आज तक, वैसे तो कहते हैं सेनेट के मेंबर हैं वो, लेकिन वो अपनी सीट नहीं जीत सकता, उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आईफिल टावर के ऊपर वो खा रहा है, डिनर कर रहा है हीरो, और वो इसीलिए लाया गया है कि तू अपना आराम से डिनर करता रहे। अभी आईफिल टावर पे किया, परसों नियाग्रा फॉल्स पे करियो, उसके बाद तू एक काम करियो लीनिंग टावर ऑफ पिज्जा पे करियो, और ये सारे जो काम है ना, एंटनी ब्लिंकन से मिलना और ये सारे काम मैं करूंगा, आर्मी चीफ विल डू। प्राइम मिनिस्टर किस चीज के लिए? एक वजीर खारजा है इनके, सॉरी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, मोफा बोलते हैं वहां पे, मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स। एक्चुअली क्या है, जर्नलिस्ट में ये चीज होती है कि वो जर्नलिस्ट में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड होता है, वो उस मिनिस्ट्री को जो बोलते हैं, जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है तो हम एक्सटर्नल अफेयर्स ही बोलेंगे उसको, और उनकी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है तो हम उस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ही बोलेंगे, वो उसको एक्सटर्नल अफेयर्स नहीं बोल सकते। तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो इनकी है, वो उसका एक मिनिस्टर भी है, वो क्या कर रहे हैं भैया? जब आर्मी चीफ ने ही सबसे मीटिंग करनी है तो डेमोक्रेसी काहे की, कौन सी डेमोक्रेसी? और एक आदमी जो जीता, अपनी सीट जीत पाया है, एक एमपी अलग से नहीं, एमएनए अलग से नहीं, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली बोलते हैं, एक एमएनए नहीं जितवा पाया दूसरा, उसके पास कोई पार्टी नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? और आपके कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है 3 महीने से ऊपर नहीं हो सकता, 6 महीने लग गए, और 6 महीने बाद भी पक्का नहीं पता वो एक इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आई यू कॉल इट अ डेमोक्रेसी? मैं तो नहीं मानता। इससे तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अच्छा था, कम से कम था, तो भले ही कुछ कर रहा था वो, लेकिन था, इंजेक्शन ले लू के कुछ भी कर रहा था, खुद की तीसरी शादी भाई ने तीसरी की, और उसके बाद नेशनल टीवी पे इंटरव्यू में बोल रहा है कि ये जो हॉलीवुड और बॉलीवुड है ना, इनकी वजह से मेरे कंट्री में डाइवोर्स पड़ रहे हैं। अबे तेरे दो हो लिए, तू कौन से हॉलीवुड और बॉलीवुड से था? हैं अबे यार कही यार, ही वॉज अ जेम ऑफ अ पर्सन, ऐसा आदमी जो के ऑन एयर न्यूयॉर्क में एक इंटरव्यू में बोल रहा है कि हम टेररिस्ट भेजते थे अफगानिस्तान में और कश्मीर में। भाई ने पाकिस्तान के साथ के लिए ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसको चले को जस्टिफाई करना मुश्किल हो गया पाकिस्तान के लिए। बहुत प्यारा आदमी है यार, ऐसा भाई मुजफ्फर भाई उसको दोबारा लाओ यार, इंडिया जो काम नहीं कर पा रहा था वो कर रहा है वो, और आर्मी को तो शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा। आसिम मुनीर कई दिन तक तो बाहर बैठ कर खाना नहीं खा होगा, साला कोई पत्थर ना फेंक दिया मेरे सिर पे, सच बात ये। तो ये इस तरीके का है, और पाकिस्तान में इस समय पावर हैज ऑलवेज बीन विद द आर्मी। एक चीज और यार, अच्छा ये बताओ आपकी लड़ाइयां कितनी हुई? 3 वॉर हुई है, ठीक है, उसके लिए बोला जाता है आपके आर्मी के स्टेटमेंट है कि बैटल हार्डन्ड आर्मी है। कौन सी बैटल यार? आपने क्या करगिल वॉर में अपनी आर्मी खड़ी की थी? नॉर्थन लाइट इन्फेंट्री थी, आखिरी वॉर आपने 1971 में लड़ी है, बैटल हार्डन बोला। और हमारी आर्मी जो है वो अल्लाह के नाम पे है, और अल्लाह ही, हम तो उससे जिहाद से चलते हैं, और क्या क्या बोलते हैं आपके आर्मी के स्पोक्स पर्सन यार, आई डोंट अंडरस्टैंड कि कोई आर्मी जिहाद से चल सकती है। और दूसरी, यही काम उसने तो किया, आपका जो ये था प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ बोल रहे टैंक में डालने के लिए तेल नहीं है, और वो गया रशिया जाकर के बात करके आया, पता नहीं क्या बात की, बच्चों को बाहर निकालने के लिए आपके बच्चों को इंडिया का झंडा लेकर के यूक्रेन से बाहर निकलना पड़ा। वो ये बात नहीं कर पाया पुतिन से कि यार मेरे बच्चे हैं कुछ यूक्रेन में, उन्हें निकाल दे, नहीं, तेल भी नहीं मिला उसको, तेल अब आया तो
तो नायरा की इंडिया की रिफाइनरी में रिफाइन होकर के तब पहुंचा, और वो भी रशिया ने क्लैरिफाई कर दिया कि बिल्कुल मार्केट रेट पे दिया है, कोई सस्ता तेल नहीं दिया हमने। वो देगा भी क्यों? अगर आप यूक्रेन को एमिनेशन बेचोगे तो आपको तेल देगा? पागल समझे होगा क्या रशिया को आपने? तो ये पाकिस्तान की पॉलिसी में इनहेरेंट है कि किसी के साथ नहीं है। वैसे बहुत बोलते हो कि हम इसराइल का, इसराइल के, हमारा पासपोर्ट इसराइल में नहीं चलता। वो इसराइल को हथियार कौन दे रहा है? आप ही दे रहे हो ना, सबके सामने है, क्लैरिटी से है। तो ये इस तरीके की अगर कंट्री है तो फिर मैं इस कंट्री से क्या उम्मीद, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं इस कंट्री से। अभी पता लगा कि मोबाइल ऑपरेटर्स 5G की बात हो रही थी कि मोबाइल ऑपरेटर्स 5G लाओ, 3G पूरे कंट्री में है नहीं, 4G है नहीं, 5G की बात हुई थी कि मोबाइल ऑपरेटर्स ने बोला हम एग्जिट ही मारते हैं, चलो तुम लगाते रहना 5G। तो ये सिचुएशन है पाकिस्तान की, तो हु केयर्स? तो दैट्स द करनिंग। मैं तो कह रहा हूँ कि बेस्ट है आप इसको लाइफ टाइम प्राइम मिनिस्टर बना दो इमरान खान को। अबे उसके पास लाइफ में वैसे भी 20-30 साल बचे हैं, 20 साल 70 तक तो पहले हो रहे ना, तो 10-20 साल है, तो 10-20 साल तो आप रियासत है मदीना में रह लोगे, उसके बाद मदीना से बाहर निकलना, वापस इस्लामाबाद में आ जाना, तो टेंशन थोड़ी है यार, राइट? सर देखिए, एक्चुअली मेरा जो इस पूरे डिस्कशन से एक जो बेसिक क्वेश्चन दो वैसे तो निकल के आए, और जिस तरीके से सर रोहित सर ने बताया कि किस तरीके से आर्मी टोटली रिस्पॉन्सिबल है, तो भाई आप भी कह रहे थे, रोहित सर भी कह रहे हैं, सर ने बता दिया कि देयर इज अ कंफ्यूजन अमंग द स्टेट कि हम हैं कौन से वाले स्टेट। अब इस चीज में हो है कौन से वाले मींस, चाहे हम थियोक्रेटिक स्टेट है जो इस्लाम के नाम पर चलेगा, चाहे हम मॉडर्न रिपब्लिक है जो कि रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सर मेरा जो क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमारी जो डिबेट है, रोहित सर ने बताया और आप भी जिस तरीके से लास्ट में एक बताया था इमरान खान, मेरा पहला क्वेश्चन ये कि सर इमरान खान अगर सारा सिस्टम ही आर्मी ने रूल करना था या चलाना था, तो इमरान खान रिस्पॉन्सिबल कैसे था? क्योंकि सर इमरान खान के हाथ में तो कुछ था नहीं, और अगर वही है कि वो जो भी कर रहा था और पीछे से समेटना आर्मी ने था, तो असलियत में क्या रियलिटी में जो उसने रायता फैलाया वो रिस्पॉन्सिबल था इमरान खान के हटने का और दोबारा ना आने का, या फिर कोई और रीजन था जिससे आर्मी और उसके बीच में एक रिफ्ट पैदा हो गया जिसे आर्मी कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई? दोनों में से मतलब कोई एक रीजन तो रहा होगा सर। एक तो उस चीज के ऊपर क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन सर इमरान खान से रिलेटेड ही मेरा ये था कि सर क्या होगा अगर इमरान खान को जनता ने वोट दे दी, मींस जो आपकी जो पीपल है, सिटीजंस हैं, उन्होंने दोबारा इमरान खान को जिता दिया और इस बार वो फुल मेजोरिटी दे के भेजा जिसकी वजह से मतलब उसकी पूरी गवर्नमेंट बन जाए, तो सर तब क्या आर्मी उसको दोबारा उठा के बाहर फेंक देगी? सर ये दो क्वेश्चंस सर। पहले मैं आपके आखिरी क्वेश्चन के ऊपर आता हूँ कि आपने बोला कि जी जिस तरीके से अवाम इमरान खान के साथ है, अगर उन्होंने वोट डाल दिया तो क्या बनेगा पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, इमरान खान बनेगा या क्या होगा? तो मैं आपको ये बताऊं कि ऐसे हो नहीं सकता। 2018 के जो इलेक्शन हुआ था उसके अंदर नवाज शरीफ जो है वो उसकी अक्सरियत थी, और रात को तकरीबन 8 बजे के बाद जो है जो हमारा सिस्टम था वो बैठना शुरू हो गया। तो हमारे जितने भी जो थे पोलिंग एजेंट थे या जिनके पास रिजल्ट थे, उन लोगों को कंट्रोल किया गया अपने अपने इलाके के हिसाब से, जो वहाँ के बाअसर लोग थे उन्होंने उनको जो इलेक्शन रिजल्ट है तब्दील करने का जो है वो पहले से प्लान था कि इस तरीके से उसको किया जाएगा। तो ये सारी चीजें पहले से ही प्लान होती हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इलेक्शन का रिजल्ट पहले से ही उसको उसके बारे में प्लानिंग हो चुकी होती है। पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बेशक ये प्लानिंग करें या ना करें, पाकिस्तान की इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए ये प्लानिंग करें या ना करें, कि इलेक्शन का रिजल्ट कैसे तब्दील करना है इसकी प्लानिंग पहले से हो जाती है। तो इन्होंने अपना एक प्लान तैयार किया होगा, डेफिनेटली तैयार हो चुका होगा कि किस तरीके से हमने अपने जो पसंदीदा जो हमारा उम्मीदवार है उसको कैसे जितवाना है। तो ये तो बात है कि इमरान खान का तो आप बिल्कुल ही समझे ना कि उसका पत्ता साफ है। अगर आर्मी नहीं चाहती कि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने, तो अवाम के वोट जो है वो नवाज शरीफ के हक में तब्दील हो जाएंगे या बिलावल भुट्टो के हक में तब्दील हो जाएंगे। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ना ही ये हम इसको कोई ज्यादा समझते कि इसके लिए इनको ज्यादा को मेहनत करने की जरूरत है। दूसरा, आपने बात की कि जी इमरान खान के तल्लुकात जो है वो आर्मी के साथ कैसे खराब हुए, या जी सर एक रिक्वेस्ट है,
माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आप पाकिस्तान में बैठे तो मुझे शायद नहीं पूछना चाहिए, अगर जवाब देना चाहें तो ठीक है, वरना मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन ये है सर, सर आपको नहीं लगता आप जो बता रहे हैं वो एक रिग्ड इलेक्शन की तरफ इशारा कर रहे हैं आप, और एक ऐसा, सर इट्स अ टफ क्वेश्चन, मतलब मत दीजिएगा जवाब, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये रिग्ड क्वेश्चन है सर, रिग्ड इलेक्शंस की तरफ बता रहे हैं कि वहां इलेक्शन का एक ढपोसला ड्रामा एक बस क्रिएट हो रहा है, बस कुछ है, लेकिन वो इलेक्शन नहीं है, वहां चलेगी आर्मी की। सर पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ कब है? आज तक नहीं मेरे ख्याल हुआ पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर। फोटो खींच लो इनकी, दोबारा नहीं मिलेंगे अब इनके फोटो सर, और आएंगे तो एक आंख काली होगी, हाथ में बैंडेज बंधा। सर आप समझिए, आप हमारी कंट्री में, मतलब मैं इंडिया से अगर कंपेयर कर पा रहा हूं, हालांकि हम अपनी, हमारे को जब है ना कोई कह देता ना ईवीएम के ऊपर आंख भी उठा देता है तो उसमें बहस छिड़ जाती है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई, प्रूव करके दिखाओ कि हाँ यहाँ पर रिग्ड हो है। और इलेक्शन कमीशन हमारे यहाँ इस तरीके से, उसने खुलकर चैलेंज किया था, इसे आप हैक करके दिखाओ सर, और आप कह रहे हैं कि अगर वोट पड़ भी गए तो भी चेंज हो जाएगा। सर अच्छा चला, सर आप दूसरे क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए, सॉरी मैं कुछ ज्यादा इसमें वो हो गया, माफ कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन ये है आपके, उसका आंसर जो सर ये है कि बार बार ये इमरान खान साहब जब भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे या इनसे सवाल पूछा जाता था कि इनके आर्मी के साथ तल्लुकात कैसे हैं, बीच में से कुछ खबरें मिलती थी, लेकिन ये हमेशा यही कहते थे कि हम एक पेज पे हैं, कि हम एक ही हैं, जो भी काम होता है हम पूछ के करते हैं। बल्कि इमरान खान साहब जहां भी जाते थे, कमर जावेद बाजवा उनके साथ होते थे और उनको एडवाइस करते थे कि किस तरीके से करना। अब देखें जो सारे भी जिस तरीके से भी मामलात हैं वो एक, जैसे रोहित सर ने बात की कि जो फॉरेन मिनिस्टर होता है या जो भी एक जिसको पता होता है, जो डिप्लोमेट होता है या सफारतकार होता है, उसको बेहतर पता होता है कि हमने किस तरीके से जो है बात करनी है, किस तरीके से डील करना है, क्या करना क्या नहीं करना। अगर एक फौजी ही सारा कुछ करेगा, एक आर्मी चीफ ही सारा कुछ करेगा, तो इतने डिप्लोमेट जो है या इतने जो सफारतकार है उनका क्या फायदा आपको। और ऐसे ही पेचीदगियां बढ़ी, ऐसे ही बातें बढ़ी कि ये अपनी मर्जी और अपनी हठधर्मी दोनों करते थे, हमारे जो सबका आर्मी चीफ है और इमरान खान साहब है। असल में जो गेम खराब हुई वो गेम तब खराब हुई कि जब जो नेक्स्ट आर्मी चीफ था ये चाहते थे इमरान खान साहब के जी हम ऐसे करें कि जनरल फैज हमीद को आर्मी चीफ किसी तरीके से बनाया जा सके। वो सीनियरिटी में तकरीबन चौथे पांचवें नंबर पर थे और इनका ये प्लान था कि जैसे कि रोहन सर ने बात की थी कि ये रियासत मदीना बनाना चाहते थे, खुद को ये एक उसका अमीर बनाना चाहते थे, और ये अगला प्लान था कि ये 10 से 15 साल ये वजीर आजम रहे और 10 से 15 साल जो जनरल फैज हमीद है वो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान रहे। तो ये प्लान जब था तो आपको पता है कि आर्मी के अंदर भी बहुत लोग होते हैं ऐसे के जब एक नीचे से जूनियर को ऊपर लाकर आप आर्मी चीफ बनाने जा रहे हो, जो सीनियर्स हैं वो भी तो देख रहे होते हैं ना कि यार ये हमसे ऊपर जा रहा है और इतने लोगों का हक मारा जा रहा है। तो फिर आर्मी उस वक्त जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड होगी, एक जो जनरल फैज हमीद की पार्टी थी और दूसरी पार्टी थी कि जो नहीं चाहती थी कि ये जनरल फैज हमीद जो है आर्मी चीफ बने। तो उस वक्त फिर सारा कुछ ये हुआ और उस वक्त ये दोबारा से एक गेम प्लान था, वो जो लाने वाले थे इमरान खान को उन्होंने सोचा यार ये तो हमारी आर्मी को ही नुकसान पहुंचाने जा रहा है, तब उन्होंने फैसला किया। जो तहरीक अदम एतमाद उस वक्त आई इमरान खान को जब उतारा गया, वो सब चीजें बाद में फिर प्लान की गई। आपको पता होगा कि किस तरीके से जितने भी इमरान खान की पार्टी के लोग भी थे जिनमें से उन्होंने इमरान खान के खिलाफ उस वक्त वोट दिया, और सारा जो बाप पार्टी थी जो बलूचिस्तान की, और सारे ये तो आपको पता कि कुछ ऐसी पार्टीज हैं पाकिस्तान के अंदर कि वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती होती हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें जब बोलेगी कि किसके हक में वोट देना किसके खिलाफ वोट देना, तो खासतौर पर बलूचिस्तान और जनूबी पंजाब का इलाका हमारा ऐसा है कि यहाँ के जितने भी MNA या MPs हैं वो हमेशा ही जो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट हमें अब कौन सा ऑर्डर जारी करेगी। तो उस वक्त फिर बाप पार्टी और जो जनूबी पंजाब जो इलाके के लोग हैं उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इमरान खान के खिलाफ जो है
अदम इतमाद में उनके खिलाफ वोट दिया, तब इनसे जो है आर्मी ने भी जान छुड़ाई और उन्होंने कहा ये हम गलत बंदे को हमने आगे ले आए थे, ये तो हमें ही हमारे ही आर्मी को नुकसान पहुंचा रहा। तो ये सारी गेमें हुई, इसमें काबिलियत और नाकाबिलियत की बात तो आप उनके अपने स्टेटमेंट से देखें कि जब उन्होंने 4 साल के बाद इमरान खान ने जो जब स्टेटमेंट दी थी कि मुझे अब पता चला है कि वजीर आजम की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, अब आप देखें ना कि वो खुद कि हमें हमारी तैयारी नहीं थी, हमें पता नहीं चला कि कैसे मुल्क को चलाना है, ये सारी चीजें ये खुद उन्होंने बोली। हालांकि उन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि 120 दिन के अंदर हम मुल्क की तकदीर बदल देंगे, हम मुल्क का कर्जा उतार देंगे, हम मुल्क की इकानमी को बेहतर कर देंगे। मैं खुद उस उनके दौर का विक्टिम आपके सामने बैठा हूँ, मेरी खुद अपनी एक फैक्ट्री थी, उसमें काफी ज्यादा मेरी इन्वेस्टमेंट थी, इमरान खान साहब के दौर की गलत पॉलिसीज की वजह से वो फैक्ट्री मेरी तबाह हो गई। मेरी क्या पूरे फैसलाबाद की अगर इस वक्त आप बात करें तो उसी वक्त की जो उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से इस वक्त फैसलाबाद की 80% जितनी भी इंडस्ट्री है वो टोटली बंद है। सिर्फ फैसलाबाद ही नहीं, लाहौर कराची जितने भी इंडस्ट्रियल जोन है सबकी जो इंडस्ट्री है वो बंद पड़ी है। वजह सिर्फ क्या है कि उनकी गलत पॉलिसियां, हम बारहा उनसे कॉन्टेक्ट करते रहे, उनके जो जितने भी मिनिस्टर्स थे उनको हमने बताया कि हमारे ये प्रॉब्लम है, हमें रॉ मटेरियल महंगा मिल रहा है, हमें बिजली जो है महंगी मिल रही है, ये सारे हमारे प्रॉब्लम है, इनको सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन वो उनकी तवज्जो ही कहीं और थी, वो तो अपनी हुकूमत बचाने, जो बंदा ड्यूटी पे 4-12 बजे आके 4 बजे चला जाए उसने मुल्क को क्या चलाना है, ये आप इसका बेहतर देख सकते हैं कि 4 घंटे जिसने बैठना है और 4 घंटे बैठ के भी उसने जो है वो मुल्की मामलात को नहीं देखना, और दूसरे मुल्कों की बात करें, दूसरे मुल्कों के साथ ताल्लुकात को कैसे उन्होंने खराब किया, जैसे कि रोहसर ने बोला कि घड़ी उन्होंने बेच दी, सऊदी अरब के विजिट पे जब वो गए थे उन्हें मोहम्मद बिन सलमान ने तैयारा दिया था, तैयारे के अंदर आपको पता है कि तैयारा पूरा बग होता है, उसके अंदर जो डिवाइसेस लगी होती हैं उसके अंदर बैठ के मोहम्मद बिन सलमान को ही वो गालियां निकाल रहे हैं, तो उन्होंने भाई उनको रस्ते से ही मेरे ख्याल अपने तैयारे को वापस बुला लिया, उन्होंने कहा भाई दफा हो जाओ तुम। तो ये तो हालात है हमारे जो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर साहब के। तो फौज कैसे, अगर ये मैं कहता हूँ कि जितनी इन्होंने बातें की थी अगर इनमें से ये कुछ 10% बातों पे अमल कर लेते, मुल्क की इकॉनमी या सारी चीजों को थोड़ा बेहतर कर लेते तो ये लाइफ टाइम ही इनको बनाने देना, इनको लाइफ टाइम ही प्राइम मिनिस्टर बना देना था इन्होंने, लेकिन ये बिल्कुल ही नाहिल गुजरे, बिल्कुल नाहिल गुजरे। अब फौज पछता रही है और नवाज शरीफ ये कह रहे हैं कि भाई जो आपने किया धरा किया है, आपने जो बेड़ा गर्क किया है, ये सारी चीजें की हैं, एक तो उसको उसको बताएं, पूरी आवाम को बताएं कि ये हमने गलतियां की हैं पीछे, और जो दूसरे नंबर पे जो लोग इन इस सारी गेम में शामिल थे उनका मैंने एहतसाब करना है। और ये अब नवाज शरीफ इस चीज पे लगे हुए हैं, देखें अब क्या बनता है। मुझे तो वैसे नजर नहीं आ रहा कि आर्मी जो है वो अपने बंदों को जो कभी भी उनके ऊपर कोई भी इस तरह का मुकदमा चलने देगी या उनका एहतसाब होने देगी, मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल नवाज शरीफ जो है वो इस वक्त तुले बैठे हैं कि मैंने आर्मी का एहतसाब करना है, उन जनरलों का एहतसाब करना है कि जिन्होंने जो एक, वैसे तो देखें इलेक्शन की कोई बात नहीं करता, आपने इलेक्शन की बात की, नवाज शरीफ ये बात नहीं करते कि मुझे कैसे लेके आएंगे, अगर मेरी अक्सरियत नहीं है इस वक्त, आवाम मुझे पसंद नहीं कर रही, मेरा वोट बैंक भी नहीं है, मेरी पॉपुलरिटी में भी काफी कमी आ गई है, तो लेकिन मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाया जा रहा है वो कैसे बनाया जा रहा है, इसके ऊपर वो बात नहीं करेंगे, लेकिन वो ये बात जरूर करेंगे कि इमरान खान को कैसे लाया गया था, मुझे कैसे निकाला गया था। तो ये एक तजाद है हमारे कोलोफेल के अंदर, हमारे जो जो सिस्टम है पॉलिटिकल सिस्टम उसके अंदर, तो सारे ये कहते हैं कि मुझे लेके आए, बिलावल भी कहेगा लेके आए, नवाज शरीफ भी बोलेगा मुझे लेके आए, और लेके कैसे आना है उनको भी पता है कि गलत तरीके से लेके आना है, लेकिन वो ये कहते हैं कि यहाँ मुझे ले जैसे मर्जी तरीके से ले, उसके ऊपर कोई इतराज नहीं करेगा, लेकिन दूसरे के ऊपर इतराज करेंगे कि वो गलत तरीके से आया था, उसको मुझे गलत तरीके से निकाला था, अब मुझे दोबारा से गलत तरीके से इस कुर्सी के ऊपर बिठाए। जी सर, एक्चुअली मैं एक क्वेश्चन अभिषेक सर से पूछूंगा। अभिषेक जी मुझे पता है आज आप लेट हो चुके हैं, मैं माफी चाहूंगा, एक क्वेश्चन तो आपसे बनता है और आज लेट हो चुके हैं, सॉरी, आपने जो टाइम दिया था उसके हिसाब से। सर क्वेश्चन जो है ना, आवाज माइक माइक जी जी हाँ सर, क्वेश्चन ये, मैं एक होलिस्टिक वे में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। 2008 तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी पाकिस्तान में जिसने 5 साल पूरे किए हों, कोई पार्लियामेंट ऐसी नहीं थी जिसने 5 साल पूरे किए हों,
लेकिन 2008 से लेकर 2023 तक मैं 15 साल ऐसे देख रहा हूं कि तीन पार्लियामेंट जो है अपनी पांच पांच साल पूरे कर चुकी हैं। एक दूसरा, प्रधानमंत्री के फॉर्म में, एक प्राइम मिनिस्टर की फॉर्म में, अगर हम सिर्फ इमरान खान की बात करें, जैसे मुजफ्फर सर कह रहे हैं, मैंने भी थोड़ा सा पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में हल्का फुल्का पढ़ा, मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इमरान आर्मी का एक रूल रहा है। मैंने अल्टरनेट मीडिया पे एक वीडियो भी किया था इस मामले में कि हाउ पाकिस्तान की पाकिस्तानी आर्मी एंड गवर्नमेंट लॉस्ट देयर क्रेडिबिलिटी, और वो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस से दोनों गुजर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो है ना सर, वो ये है कि आर्मी ने अल्टीमेटली पॉलिटिकली अल्टरनेट्स खड़े किए, बेनजीर भुट्टो के सामने नवाज शरीफ, नवाज शरीफ के सामने इमरान खान, इमरान खान के सामने किसी नए को लाने की जगह पुराने को ट्राई करें या कुछ भी, लेकिन माने या ना माने तीन पॉलिटिकल पार्टीज खड़ी हुई हैं जिनकी लोगों में एक्सेप्टेंस है। क्या मैं इसे धीरे धीरे सही, क्या एक पॉलिटिकल और डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट की तरफ देख रहा हूं कि आर्मी का जो एक कंट्रोल है वो थोड़ा कम हो रहा है और बाकी जो सिस्टम्स हैं और पॉलिटिकल सिस्टम भले ही कैसे है वो कंट्रोल बढ़ रहा है, क्या इसे हम पॉजिटिव फॉर्म में देखें या हम ऐसे ही देखेंगे ये चलता रहेगा? सर बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए हरी भाई, ये है ना कि डेमोक्रेसी क्या है, गेम ऑफ थ्रोन्स को अगर आप डेमोक्रेसी कह रहे हैं वो डेमोक्रेसी नहीं होती है। डेमोक्रेसी में थ्रोन से ज्यादा थ्रोन पे बैठाने वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पांच साल बाद हमें जाके इनसे अपने एक्शंस को रेटिफाई कराना है। अब अगर आपको ये डर नहीं है कि हमें इनके जाकर के एक्शन को रेटिफाई कराना है, अगर आप पावर सेंटर हो और अपने आप में एक पूरा पावर सेंटर हो, आप जैसे अभी मुजफ्फर भाई बोले थे कि नवाज शरीफ चाहते हैं कि हम आर्मी के लोगों को मुकदमे में लाएं, आर्मी कह रही हम होने नहीं देंगे, ये रूल ऑफ लॉ बेस्ड सिस्टम तो नहीं है ना। उसका रीजन ये है कि पाकिस्तान की लोग अपना विरासत कहां से लाते हैं, मुगलों से लाते हैं। हमने बचपन में कहानी पढ़ी थी मुद्रा राक्षस की। मुद्रा राक्षस क्या था कि वो बोलता था कि मैं मगध के जो राज सिंहासन है उससे बंधा हुआ हूं, उस सिंहासन पे कोई भी बैठे, वो गलत हो सही हो मैं उस सिंहासन से बंधा हुआ हूं, मेरी अपनी कोई वो नहीं है, ठीक है ना। अभी आपने ये जो कटप्पा वाली पिक्चर देखी कि राजा जो कह देगा सेनापति वही करेगा, वो सही या गलत जो कह दे। ये चीज जो है, ये जो एक जिसे कह लीजिए ट्रेडिशन हेरिटेज, ये नहीं है किसी भी इस्लामिक कंट्री में। वहां पे पावर हमेशा गर्दने उड़ा के ली गई हैं, लोग या जो सेना और जो राजा है वो अलग अलग नहीं है, जिसको मॉडर्न भाषा में सेक्युलरिज्म कहते हैं। जो मुस्लिम ट्रेडिशन के लोग हैं उनके लिए सेक्युलरिज्म का मतलब है आर्मी से पॉलिटिक्स को अलग करना, तलवार से पॉलिटिक्स को अलग करना। क्रिश्चियनिटी में चर्च से अगर अलग करने का नाम था पॉलिटिक्स को सेक्युलराइजेशन, तो इस्लामिक ट्रेडिशन में तलवार से पॉलिटिक्स को अलग करने का नाम होगा सेक्युलराइजेशन। क्योंकि मौलाना ताकतवर नहीं हुआ, किसी मौलाना ने कभी शासन नहीं किया, शासन जिसने किया वो उसी तलवार के दम पे किया और उसने ही कैलिफेट बनाया, वो खुद भी उसका जो है वो रिलीजियस हेड भी बना और पॉलिटिकल हेड भी बना। तो पॉइंट ये है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल हेड कौन है, इमरान खान नहीं है वो पॉलिटिकल हेड। क्यों? क्योंकि आर्मी कहती है कि हम तुमको कैसे अपना पॉलिटिकल हेड मान ले, क्योंकि पाकिस्तान टू नेशन थ्योरी पे बना हुआ है, टू नेशन थ्योरी की जो सिक्योरिटी है वो करना हम है, अब जिहाद फी सबीलुल्लाह वाले हम है, तुम कौन हो। तो पॉइंट ये है कि ये तो वो फसाद इंटरनेशनल प्रेशर में क्रिएट करते हैं और अपनी इंडियन जो कह लीजिए आइडेंटिटी की वजह से क्रिएट करते हैं। अगर इंडिया उनके ना नेबर दूर से हटा लीजिए, वो अफगानिस्तान बना देंगे उसको। अफगानिस्तान ने कोई शर्म नहीं की, उन्होंने ला करके अमरियत ठोक दिया आपके ऊपर। पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बात आप तब कर सकते हैं, ये सारे गेम्स की बात आप तब कर सकते हैं जब डेमोक्रेसी नंबर गेम में कन्वर्ट हो जाए पार्लियामेंट के फ्लोर पे। लेकिन पाकिस्तान में नंबर गेम पे नहीं है, ये तलवार के गेम पे आज भी है, जिसके पास ताकत है वही राजनीतिक बॉस है। इंडिया में जिसके पास नंबर है वो राजनीतिक बॉस है, ताकत कोई और हो तुम रखो ताकत अपने पास। When number becomes the boss, then you have democracy. अब जैसे हमने कहा हमारे यहां पे जो हमारी धार्मिक ट्रेडिशन है भारत की, उसमें राजनीति से धर्म को अलग नहीं किया जा सकता,
राजनीति राज धर्म को अगर आप अलग कर देंगे तो वो राजनीति जो है वो किसी मोरालिटी के बिना हो जाएगी। लेकिन क्रिश्चियन ट्रेडिशन में राजनीति को पॉलिटिक्स से अलग नहीं करेंगे तो राजनीति का जन्म ही नहीं होगा, क्योंकि ये पॉलिटिक्स और राजनीति एक साथ ही एग्जिस्ट करती है अब्राहमिक फेथ में। क्योंकि पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? पावर टू मेक लॉ, पावर टू इन्फोर्स लॉ। इस्लाम चूंकि एक इनहेरिटेंस है अब्राहमिक फेथ का, वो पॉलिटिक्स उनके यहां तभी आएगी। क्योंकि आप देख लेना, सिवाय इस्लामिक स्टेट जितने अरबिक हैं वो कोई अपने आप को इस्लामिक स्टेट नहीं कहते, तो उनके यहाँ इलेक्शन और डेमोक्रेसी काम करती है। बाकी जो भी अपने आप को इस्लामिक स्टेट कहते हैं वो इलेक्शन नहीं करवाते, एक्सेप्शन है पाकिस्तान। अरब के सारे स्टेट कहते हैं हम इस्लामिक स्टेट है, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बुक वो कुरान है, वो इलेक्शन नहीं करवाते। और उनके यहाँ जो राजा है वो बॉस है मॉस्क का भी और वो बॉस है पॉलिटिक्स का भी। तो इफ सेक्युलराइजेशन फॉर क्रिश्चियनिटी मेंट सेपरेशन ऑफ चर्च एंड द पॉलिटिक्स, चर्च एंड द स्टेट, देन फॉर इस्लाम इट मीन्स सेपरेशन ऑफ सोर्ड फ्रॉम द स्टेट। क्योंकि ये ट्रेडिशन रहा है, जो इनका जो कैलिफेट बैठता है वो जो है वो रूहानी भी एक तरीके से रूल करता है और उससे भी रूल करता है। ही हैज पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस पावर। वो फरमान वो देता है, फतवाए आलमगिरी क्या है? आलमगिरी कौन था? औरंगजेब था, वो फतवा दे रहा था। तो पॉइंट ये है कि ये जो इनको समझना पड़ेगा कि आप ये लोगों को डिस्कस करने से क्या होगा। इमरान खान ने कौन सा ऐसा क्या नाम किया? इमरान खान इज अ जिसे कह लीजिए मिरर इमेज ऑफ व्हाट हैपेंड विद भुट्टो। मिरर इमेज है वो, एग्जैक्ट एपिसोड हैज बीन रिपीटेड, एग्जैक्ट एपिसोड। आप ऐसे कितनी कदा ये लाते हैं फिर, और यही चीज नवाज शरीफ के साथ हुआ, वो भी मिरर इमेज है। तो पॉइंट ये है कि अगर आप पॉलिटिक्स की और डेमोक्रेसी की बात करें, डोंट अज्यूम डेमोक्रेसी इज एन एटीट्यूड। डेमोक्रेसी इज नॉट दिस फार्सिकल एक्सरसाइज ऑफ फार्स वोट और प्रिटेंशियस वोट, प्रिटेंशियस इलेक्शन। डेमोक्रेसी एटीट्यूड है। जिस दिन आर्मी सरेंडर कर देगी कॉन्स्टिट्यूशन में कि ये पावर है सबसे बड़ी, तब होगा। सो माई एनेक्डोट to the people of Pakistan, and if you want to enjoy democracy, desist yourself calling Islamic State. If you want to call yourself a Islamic State, then give up the dream of having a democracy. Dono nahi chal sakta. Dusra ki agar democracy ke path pe jana hai to talwar ke bal pe aayi hui power ko justify karna chhod dijiye aapko, kyunki jo ye tha aur jitne bhi mughal shashak hai sabne apne baap ki gardan kaati talwar ke dam pe jaake baithe। आपको हमारे यहां ये ट्रेडिशन कम दिखेगा, आपको सक्सेशन रूल के बेसिस पे होगा कि बड़ा बेटा रूल करेगा या वो करेगा, जो भी है। भगवान राम का क्लेम क्या था अयोध्या पे? कि वो ज्येष्ठ पुत्र थे, उस रूल का फॉलो किया राजा भरत ने। तो रूल ऑफ लॉ का एग्जिस्टेंस होना जरूरी है। जब रूल बड़ा होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब है कि लॉ इज सुप्रीम देन द पर्सन एंड द पर्सन हूएवर इट इज। लेकिन ये नहीं कौन, तो ये एक पहले रिफॉर्म के थ्रू गुजरिए। अगर डेमोक्रेसी का मजा लेना है यूरोपियन फॉर्म ऑफ, तो उस रिफॉर्म के थ्रू जाइए, पहले क्रिटिसाइज कीजिए अपनी किताबों में, उसका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म लिखिए। जो लिखा था इमैनुअल कांट ने, जिसका नाम है परपेचुअल पीस अ फिलोसॉफिकल स्केच मस्ट बी रेड बाय एवरी पाकिस्तानी, जो उसने लिखा कि व्हाट इज एसेंशियल। आप दोनों नहीं कर सकते, यू कैन नॉट हैव केक एंड ईट इट टू। तो व्हाट आई एम सेइंग दैट देयर आर सर्टेन प्रोसेस थ्रू व्हिच पाकिस्तानी सोसाइटी नीड्स टू गो थ्रू, अनलेस अंटिल दे विल गो थ्रू दैट प्रोसेस। ये ऐसे एपिसोड इमरान खान, फिर कोई और खान, फिर ये वो चलते रहेंगे। इट विल बिकम गेम ऑफ थ्रोन, इट विल नॉट बी गेम ऑफ पॉलिटिक्स, गेम ऑफ so long as it will exist in the form it is. That's what I have to say. I'll conclude it now here. Thank you sir. मैं last एक है ना concluding line आपके साथ जोड़ना चाहूँगा कि आपने एक line जो bottom कही ना, वो ये accepted democracy without modern reforms. This is the only problem of Pakistan. मुझे ये जो समझ में आया। खैर सर, मैं आपसे तो सॉरी कहूंगा कि आप तो शायद जा रहे थे, ठीक है। तो सर रोहित जी से एक क्वेश्चन है मेरा, सर बेशक आप थोड़ा मतलब समझ सकते हैं, ठीक है सर। रोहित जी लास्ट आपसे एक क्वेश्चन है आज का,
और वो ये कि मुझे ऐसा लगता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की इमेज को तो हैम्पर किया, पाकिस्तान की आर्मी को पीपल के अंदर आम आदमी की नजरों में तो एक हैम्पर किया है। लास्ट आज का ये क्वेश्चन मैं आप दोनों से यही पूछूंगा कि साहब क्या आपको लगता है कि सच में पाकिस्तान की आर्मी की इमेज को हैम्पर किया है? क्योंकि अगर ऐसा है तो आगे आने वाले टाइम में या तो पाकिस्तान में एक पावर वैक्यूम बनेगा, और पावर वैक्यूम अगर बनता है ना तो आगे आने वाले टाइम में पाकिस्तान को एक बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ेगा, लेकिन रिफॉर्म्स होंगे। और अगर नहीं कर पाया है और आर्मी की पावर उतनी ही है और रेपुटेशन नजरों में उतनी ही है तो फिर बाद में देखा जाएगा। सर देखो, एक चीज तो ये कि आप मुझे एक पार्टी देने वाले थे, वो कब हो रही है? मैं तो ये जरूर पूछूंगा आपसे, ठीक है ना? बहुत होगी सीरियस बातें। मैं आ रहा हूँ जयपुर और आप मुझे एक पार्टी देना। दूसरी चीज ये कि एक बात समझिए कि एक एक खबर तो मैं आपको दे देता हूँ दोनों को, वो ये कि 8 फरवरी की डिक्री इश्यू हो गई कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। मुबारक हो मुजफ्फर भाई के अब इलेक्शंस हो रहे हैं, और वोट आप सोच समझ के दीजिएगा। रियासत मदीना बनाई नहीं तो आपको 72 उरे नहीं मिलेंगे, 72 क्या आपको 20 नहीं मिलेंगे अगर आप रियासत मदीना की ओर नहीं गए तो, ये बात याद रखना। तो आपको कसम है तो उस इमरान खान की और उस इमरान खान के जितने भी चंपू थे सबकी, क्या आप इमरान को वापस लाएं? यस, कुछ बोलेंगे? हाँ जी, वो 72 उरे इमरान खान के पास मौजूद थी, इस दुनिया के अंदर ही मौजूद थी, उन्होंने तो रखी हुई थी, ये सारी किताबों में भी लिखा हुआ है। और उनके जो जो एक दोस्त है, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका, ओन चौधरी, उन्होंने बताया कि इमरान खान के पास हुरे मौजूद हैं और वो हुरे आती थी और मिलती थी और जाती थी। लोग तो ख्वाहिश रखते हैं, उनके जो जो लोग हैं उनको इतने चाहते थे उनके जो कि काश वो, लोग कहते थे, लड़कियां जो यंग लड़कियां कहती थी काश आप मेरे अब्बू होते, जो इस तरह की बातें जो जिनके फॉलोअर वो कहते हैं, वो तो वो उनको क्या जरूरत है आगे जाके हुरे लेने की, वो यहाँ पर ही उनके पास हर चीज अवेलेबल है और वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। सिर्फ हमारे लिए वो कहते थे कि रियासत मदीना बननी है, आप लोगों ने शरिया के ऊपर चलना है। उन लोगों ने तो वो यहाँ पर ही यूरोप बनाया हुआ था, हर चीज उनके लिए, ड्रग्स भी उनके लिए मुयस्सर थी, उनके पास हर चीज थी। तो जी, आपको दीन का रास्ता दिखाया तो उनको हुरे नहीं मिलनी चाहिए? आप लोगों को दीन के रास्ते पे चला रहे थे वो, खुद गलत कर रहे थे, तो उनके उनकी अपनी जानों में उनको मिलेगी, लेकिन आप लोगों को तो दीन का रास्ता दिखा रहे थे, आप लोगों को तो अच्छे रास्ते पे चला रहे थे। नहीं, हमें उन्होंने कौन सा अच्छा रास्ता दिखाना है? सबको पता है कि वो एक प्ले बॉय थे और अपने लाइफ के अंदर वो एंजॉय करते रहे थे और अभी भी कर रहे हैं, वो सारा कुछ कर रहे हैं, सारे पाकिस्तानियों को पता है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि जो लोग उनके फॉलोअर्स हैं उनको हर चीज का पता है, लेकिन उनकी मोहब्बत में इतने वो अंधे हो चुके हैं, वो कहते हैं कि हम सारा कुछ, अपनी इज्जत जान माल हर चीज उनके ऊपर जो निछावर करने के लिए तैयार है। हालांकि वो चाहते हैं कि जी हमारी शादी हो जाए, बेशक उनके पास पहले भी मौजूद है, शादी ना हो जाए वैसे एक रात उनके साथ मैं गुजार लूं, मेरे लिए यही काफी होगा। इस तरह के भी जो उनके फॉलोअर्स हैं, जो लड़कियां खासतौर पर, वो चाहती हैं कि वो उनके बिस्तर के ऊपर वो जा सके, ये माजर के साथ हमारे। नहीं, आपने रेहम खान की किताब कुछ ज्यादा पढ़ ली, उसको आप पढ़ गया उसको फाड़ को फेंक दीजिए। रेहम खान की किताब में लिखा हुआ है कि लेडीज अपने वीडियो और न्यूड फोटो भेजते थे, अरे रेहम खान बोल रही है ना, मैंने तो उनके हाथ में तस्वीर देखी। ये रेहम खान के अलावा उनके जो एक दोस्त जो उनके पार्टी को छोड़ चुके हैं, जो करीबी दोस्त है, जो उनके सहूलतकार थे, जो उनको मिलाया करते थे लड़कियों के साथ, वो उन्होंने भी बातें की हैं, सबने बातें की हैं, सिर्फ जिसने पार्टी छोड़ी तारीफ करेगा। जी, जिसने पार्टी छोड़ दी वो तारीफ करेगा, वो तो बुराई करेगा। नहीं, बुराई वो, क्योंकि वो बहुत करीबी दोस्त था ना, वो सारा उनके साथ हम निवाला और हम प्याला था, तो उसने बताई सारी चीजें कि क्या क्या होता था, क्या क्या करते थे ये। तो ठीक है, चलो, ये उन्होंने अभी 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 तो अभी तो कुछ इस तरह की बातें हैं कि मैं नहीं बता सकता कि जो यहाँ पर हमारे लोगों की में गर्दिश कर रही है। चैनल बैन हो जाएगा इनका, चक्कर में मत पड़ना, हिंसा दुश्मनी क्यों निकाल रहे हो? बकरी और ये क्या, वो बकरी और भेड़ और सब कुछ, वो सारी कहानियां पता मुझे। जी जी, शेरू
शेरू की मिसेज, शेरू की मिसेज, हाँ शेरू की मिसेज, तो वो भी वो कहानी भी, उसके कुत्ते का नाम शेरू है। अब आगे बात कर लेते हैं। अच्छा ये चीज के आपको कहीं पे एक चीज नहीं पता लगी कि डिक्री आई है तब आई है जब ये बाइडेन के पास पहुंचे हैं अमेरिका, और वहां पे ये पहुंचे थे, ये पता लगा था, पता लग रहा था कि ये वो बात करने गए हैं कि भैया मैं इलेक्शन नहीं करवा सकता, इमरान वापस आ जाएगा, तो वहां से डंडा पड़ा नहीं करवाओ इसे, बहुत हो गया ड्रामा, तब आई। नहीं ये तो इलेक्शन कमीशन ने पहले बोल दिया था कि इलेक्शन होंगे, लेकिन जो जिस तरीके से डेरा इस्माइल खान का जब अटैक हुआ है, या आज सुबह भी एक अटैक हुआ है टानक के अंदर, तो इससे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि हालात कुछ खराब होते हुए नजर आ रहे हैं, कि इस तरह ना हो कि सिक्योरिटी को एक बहाना बना के कल को ये बोले कि जी मुल्क के अंदर क्योंकि सिक्योरिटी का मसला है, कोई इश्यूज चल रहे हैं, तो इलेक्शन को मजीद लेट कर दिया जाए, ये थोड़ा सा फील हो रहा है। लेकिन इलेक्शन होंगे, उसके लिए ये प्लानिंग हो रही है कि किस तरीके से इमरान खान को इस सारे प्रोसीजर से बाहर रखना है, उसके लिए गेम हो रही है, वो प्लानिंग हो रही है, वो प्लानिंग इनके लिए बाएं हाथ का खेल है कि ये 75 सालों से वो सारी गेमें कर रहे हैं, तो उनके लिए मसला कोई नहीं है यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कैसे इन्होंने इन चीज़ों को मैनेज करना है, तो इनके लिए प्रॉब्लम कोई नहीं है उस चीज़ को करने के लिए। तो इलेक्शन तो होंगे, इलेक्शन अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हुआ, ये मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, खुदा ना खास्ता कोई बड़ा हादसा ना हो जाए कि जिसमें कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़े कोई लीडर की जान भी जा सकती है, अगर कोई इस तरह का वाकया ना हुआ तो पाकिस्तान में इलेक्शन वक्त पे होंगे। अगर इस तरह का कोई वाकया हो गया जैसे बेनजीर शहीद हुई थी, तो फिर इलेक्शन लेट हो सकते हैं। सही बात, यस, इलेक्शन डिले होने के चांस। तो क्या आप इशारा कर रहे हैं कि एक आधा जा सकता है सर? नहीं, ऐसा नहीं, वो उन्होंने सिर्फ एग्जांपल दिया जाने के लिए, तो कोई भी ना जाए, नहीं एग्जांपल नहीं जाए तो बढ़िया है, क्योंकि आप सोच कर देखिए चर्चा शुरू हो चुकी है। चलो खैर सर, मेरे को एक चीज पूछनी है, बता रहा हूँ, ये क्या बोल रहे थे, वो ये बोले थे कि बेनजीर भुट्टो की डेथ हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था तब ये हुआ था। आर्मी को इन्होंने अभी इलेक्शन कमीशन का नाम है, इलेक्शन कमीशन की बाप की औकात नहीं है कि वो आर्मी से पूछे बिना इलेक्शन डिक्लेयर कर दें, ठीक है ना। इलेक्शन जो डिक्लेयर हुआ, पाकिस्तान में पत्ता भी हिल रहा है, तो वहां पे एक आदमी आर्मी का सर पे बंदूक लगा के बैठा है कि तू हमारी बात मानेगा या अभी ये ट्रिगर चलाओ, गोलियां बहुत है मेरे पास, मेरे टैंक में तेल भरी नहीं है, गोली बहुत है मेरे पास, ये चल जाती है, टैंक चलता नहीं है, समझा। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इमरान, देखिए फ्रेंकली अगर एक न्यूट्रल फॉर्म में देखूं ना, बिल्कुल न्यूट्रल फॉर्म में, एज अ बिल्कुल जिसे कहते हैं लेमन फॉर्म में, तो मुझे इमरान खान एक इनकम्पिटेंट बड़बोला बंदे से ज्यादा कुछ नहीं लगता। एक आदमी जो अपनी इकोनॉमी को और प्राइम मिनिस्टरियल ऑफिस की 8 भैंसों को 25 गाड़ियों को कंपेयर ही नहीं कर पा रहा, उस आदमी के अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई बुद्धि नाम की चीज है, बस वो बड़बोला है, बड़बड़ बड़बड़ बोलता रहता है। दो चीजें समझिए, एक सवाल ये है कि पूरी की पूरी पॉलिटिक्स इस टाइम पर एक आदमी के आसपास, एक इनकम्पिटेंट से आदमी के आसपास कैसे घूम सकती है, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए। क्या ये लोग इसको हैंडल भी नहीं कर पा रहे किसी तरीके से, क्योंकि जितना कर पा रहे हैं वो स्प्रिंग को दबाते हो, ऐसा ना हो गया स्प्रिंग हो गया, जितना दबाते हो उतना उछल जाता है। इसका जवाब मैं दूंगा, ठीक है मुजफ्फर भाई, तो ज्यादा आप एक चीज बात हो भैया, मैं एक्सपर्ट तो हूं नहीं, तो इसीलिए आप है ना इस मामले को सुधार पाओगे मुझे पता है, और आगे से मैं सोच रहा हूँ होस्ट आप हो, जवाब मैं दे दिया करूं। अच्छा एक चीज समझो आप, कि पाकिस्तान में इमरान खान को आप, इमरान खान ने, आप उस आदमी को लाइटली मत लो, पहली चीज, ये रियासत मदीना का जो सपना है ना भाई, ने 3 शादी की, ठीक है, 3 शादी के साथ साथ उसने क्या क्या नहीं किया, उसने 4 हर चीज पूरा गंग मचाया, पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने की पूरी कोशिश की, यहां तक कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स वो पब्लिक में लहरा रहा था, जिसमें अभी जजमेंट आने वाला है, उसको इसमें सजा भी होगी 100% नो डाउट। लेकिन एक बात समझो आप यार, इतना कोई इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है कि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट ऐसे उड़ा रहा है? इमेच्योर नहीं है वो, मैच्योरिटी से ज्यादा मैच्योर है, ये बात समझिए आप,
उसको पता है कि मुझे ये काम करना है, वो ये करता है हर इंटरव्यू में तस्बीह हाथ में लेके। साले कौन से रिलीजियस लीडर ने, कौन से रिलीजन ने बता दिया कि तू इंजेक्शन लेके सोता रहे? लेकिन वो इंजेक्शन भी लेता था, ड्रग्स भी लेता था, और जब हर इंटरव्यू में तस्बीह ऐसे दिखाता था कि सुबह शाम वो नमाज ही पढ़ता रहता हो। बहुत बड़ा फ्रॉड आदमी था। लेकिन एक ये बात समझने, उसकी पॉलिटिक्स को आप समझिए, कितनी स्ट्रॉन्ग पॉलिटिक्स है कि आज भी उसकी सारी खबरें, सारी चीजें सबके सामने हैं। उसने पाकिस्तान को कितना बर्बाद किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी अगले 20 साल तक बाहर नहीं आ पाएगी इससे, जो जिस पोजीशन पे वो करके चला गया। ये बात याद रखना आप, पाकिस्तान इंडिया को धमकी देता है। वो ये बोल रहे थे इनके प्राइम मिनिस्टर अभी कुछ देखिए, 300 वॉर लड़ लूंगा इंडिया से। अब यार रोटी खाने के लिए है नहीं, तेल है नहीं टैंक में डालने के लिए, 300 वॉर तुम एक नहीं लड़ सकते। और जब तुम्हारी इकोनॉमी इंडिया से बेटर थी 71 में, तब तुम हार गए थे। ठीक है, तो सच ये है, सच ये है कि उस आदमी ने इतना बुरा किया कंट्री का। आज जो बिजली इतनी महंगी है, पेट्रोल इतना महंगा है, डायरेक्टली उसकी वजह से। पाकिस्तान पे जो कर्जा था आजादी उसके ओथ लेने वाले दिन तक, अगर वो 100 रुपए माना जाए कि 100 रुपए कर्जा था, तो जिस दिन वो हटा है 180 रुपए कर्जा छोड़ के गया भाई। अपने 3 साल में पूरा आजादी से अब तक जितना कर्जा लिया था, अपने 3 साल में उसका 80% और ऐड कर गया वो आदमी। लेकिन पूरी पूरी पाकिस्तान के लोग उसके लिए कितना खड़े हैं साथ, आप ये देखिए, वो ही हैज द पल्स ऑफ द पीपल। उसके पास पल्स है। आपने उसको हर जगह एक्सपोज किया, आर्मी ने अपने लेटेस्ट इक्विपमेंट्स लगा के उसकी रैलीज के जो लाइट्स थी उनको डिम करके दिखाया कि भीड़ नहीं आ रही है। जब रैली में बताया कि भीड़ नहीं आ रही है, साला भीड़ पोर इन करना शुरू हो गई। ये बात समझिए, उस बंदे के पास ही नोस व्हाट टू डू। और मेरी बात हुई है कुछ, मैं किसी का नाम क्या बताऊं, तो मैंने बहुत सारी लड़कियां उसको, लेडीज उसको बहुत पसंद करती हैं, फैन है वो कॉलेज गोइंग गर्ल्स का। ठीक है, सॉरी मैं गलत बोल गया, उल्टा बोल गया, फॉलोइंग कॉलेज गोइंग गर्ल्स उसकी फैन है, या अभी जो लड़कियां 25 तक की एज है वो दे आर मैडली इन लव विद इमरान खान। ये बात समझिए, और जो यंग लोग हैं उनको एक चीज समझ में आती है, पाकिस्तान ने पिछले 30 साल में एक चीज समझाइए, ये यहूद और हनूत तुम्हारे दुश्मन हैं। उसने वही नब्ज पकड़ी, साथ में उसमें अमेरिका का तड़का लगा दिया कि अमेरिका मेरी गवर्नमेंट गिरा रहा है। और ये चीज हर आदमी को सीधे सीधे, उसको उसको दिमाग में जाने की जरूरत नहीं है, वो दिमाग से, उसने कानों से सुना, वो दिमाग में नहीं गया, वो सीधे हार्ट में चला गया। तो आज हम टॉपिक ज्यादा लंबा खींच चुके हैं, 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, और मुझे माफ कीजिएगा अगर आप दोनों को कोई सेशन हो कुछ हो। क्या मैं आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब पूछ सकता हूँ? देखो, एक आपको नहीं लगता कि एक क्रेडिबिलिटी क्राइसिस अजीब सा है? हमारी कंट्री में भी ऐसे नेता आए, जैसे अभी भी अगर आप देखेंगे तो जो अरविंद केजरीवाल हमारी पॉलिटिक्स में उभर के आया, असलियत में उसकी वो भी तो इसी तरीके के वादे कर रहा है, फ्री 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 बांट रहा है, और एकदम से उसको उसका राइज भी देखने को मिला, एक ग्रोथ भी देखने को मिली। लेकिन पता है क्या था, हमारे यहां पर उसकी क्रेडिबिलिटी से बड़ा इंस्टीट्यूशन, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट था, चाहे हमारे यहां प्राइम मिनिस्टर थे, चाहे बहुत सारी दूसरी पार्टियां भी थी, वो सारे प्रेजेंट थे और लोग आंख बंद करके बाकियों पर भी भरोसा कर रहे थे। ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, ऐसा कोई सिस्टम, कुछ भी क्या ये क्या पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जो उसे प्रूव कर सके कि ये गलत करके गया है और उससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है? सर, लास्ट कंक्लूडिंग फॉर्म में, ताकि हम इसको ओवर करें तो खिस्ता चला जाएगा, मुझे लगता है बात ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। सर रोहित जी, आप बताइए, फिर मुझे से पूछते हैं। पाकिस्तान में या इंडिया में भी, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इंडिया में भी, पाकिस्तान में और इंडिया में आप 50% कर लीजिए, इंडिया तो खैर इतना ज्यादा नहीं है, इंडिया में तो पब्लिक ओपिनियन मैटर करती है, पाकिस्तान में 50% प्रूव कर लीजिए, आर्मी गलत कर रही है सबको पता है। ठीक है ना, आर्मी के खिलाफ कोई रिवोल्ट तो होता नहीं। ठीक है, जो हुआ उसमें आप देख लीजिए कैसा गया। ठीक है, उसके बाद क्या ये जो रॉ एजेंट का टैग मुझ पर तो लगी चुका है, मैं तो खैर
एस्टैब्लिशमेंट तो सारी आर्मी के सारे पाकिस्तानी चैनल से लगा दिया। ये पहली बार लगा था रोहित शर्मा पे आप हो गए। हाँ हाँ ये उन्होंने टैग लगाया था, आपने अटेस्टेशन कर दी, ठीक है। अच्छा, और इसमें मैं ऐड कर दूं, मैं भी डर के आपके साथ आपके प्रोग्राम में शिरकत नहीं करता था कि मुझे भी ना यहाँ पर जिस प्रॉब्लम का मैं शिकार होता हूँ, तो ये बोलेंगे ये देखें जी ये इंडिया की साइड लेते हैं और साथ में राके एजेंट भी बैठे हैं इनके, तो मैं भी डरता था। नहीं ठीक है, सही बात है। देखो एक चीज, सबने हम लोग कोई ऐसा है नहीं, हम लोग कोई गुंडे नहीं है, हम लोगों के पास कोई बैकिंग नहीं है, तो असलियत है सारा आदमी डरता है। फैक्ट रिमेंस कि क्या ये टैग पहली बार लगा है रोहित शर्मा पे? इससे पहले किसी पे नहीं लगा, बेनजीर पे लग चुका, इस पे इमरान खान पे तो लगा ही, अब लगाया है ना, और उस पे क्या नाम है नवाज शरीफ पे लगाया कि जिंदल के साथ कंपनी काम करते हैं, फातिमा जो मोदी का यार है, गद्दार है, गद्दार है, नारा सुना था मैंने, है ना जी राइट। और इमेजिन एक बात है यार, एक बात दो, कैन यू इमेजिन आप अपने नेता को ये कह के हरा रहे हो कि जो मोदी का यार है गद्दार है, गद्दार है, व्हाट द हेल वाज दैट। एक नारा और लगा था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, उसने तो क्रेडिबिलिटी क्राइसिस क्रिएट कर दी ना एक तरीके से। नहीं ये नारा पहली बार इमरान खान के रूल में नहीं लगा था, इससे पहले भी लगता रहा है ये नारा। अगर आर्मी और आर्मी ने, क्योंकि आर्मी को पता है कि हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, हम आईएसआई में एक आपने पॉलिटिकल सेल बनाया है, क्यों बनाया भाई? तो अगर आप पॉलिटिकल सेल बना रहे हैं, आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है, क्या क्या काम है? आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, आप पॉलिटिकल सेल बना रहे हैं, आप जा रहे हैं एंटनी ब्लिंकन से मिलने, तो आप ये नारे आपके खिलाफ आएंगे। इंडियन आर्मी के खिलाफ क्यों नहीं लगते ये नारे? दिल्ली में एक नारा नहीं लगा आज तक, क्योंकि इंडियन आर्मी का हमारी इंडियन आर्मी का बताऊं क्या लेवल जबरदस्त है। मुजफ्फर जी आप देखिएगा, मैं एक बिल्कुल थ्री रूम सेट में रहता हूँ और चार घर छोड़ के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऑफिसर वो रहते हैं, चार घर छोड़ के थ्री रूम सेट में, सिंपल मिडिल क्लास फैमिली के अंदर, सिंपल लिविंग, एक कौन सी मुश्किल से वो 10-11 लाख रुपए की गाड़ी होगी, बिल्कुल सिंपल, इस लेवल की पर्सनालिटी है वो साहब। सल्यूट करने रोज खड़े होकर सल्यूट करने का मन करता है। इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स अगर है ही ऐसे कंगले तो हम क्या करें? पाकिस्तानी आर्मी को देखो ना, ना कंगले नहीं कह दोगे भाई साहब, ये सीधी सी बात है, एक सेकंड, ना यहाँ कंगले नहीं कह दोगे भाई साहब, ना बिल्कुल नहीं, कंगले कैसे कह दोगे आप? आप एक सुनो, आप मेरी बात सुन लो, मेरी बात तो सुन लो, वर्ड भी कैसे कह सकते हैं कंगले है भैया? नहीं सॉरी, नहीं पैसा नहीं होती, हर चीज वैल्यूज होती है और उन वैल्यूज ने कंट्री को रखा है। अरे सुन लेंगे यार, अरे सुन भी तो लो, सुन भी पहले बात नहीं उठा आपने, पहले कह देगा हां चलो सॉरी, अरे यार सुनेंगे तो हां। अरे पड़ोस वाले कंट्री के आर्मी के ऑफिसर्स को देखो, एक आदमी पापा जॉन्स के पिज्जा आइलैंड लेके बैठा है, एक आदमी आइलैंड्स खरीद के बैठा है, एक आदमी अपने फार्म हाउस में है, एक आदमी दुबई मॉल में। आपके कितने आर्मी के ऑफिसर दुबई जा पाते हैं यार? दुबई छोड़ो साला, कार खरीदते खुद खुद ड्राइव करके जा रहे होते हैं, एक 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 उनके पास वो नहीं होता, क्या ड्राइवर नहीं होता आपके आर्मी के ऑफिसर्स के अंदर? सिंपल सिंपल लाइफ, आधे आधे तो आधे आर्मी के ऑफिसर्स तो रिटायरमेंट के बाद पेंशन में से मकान का इंस्टॉलमेंट भर रहे होते हैं, हां। और आप बोल रहे हो हमारी आर्मी के ऑफिसर, जरा देख तो लो कुछ नहीं आपके आर्मी के ऑफिसर, सीरियस आर्मी चीफ रहे, सीरियस नहीं, सीरियस रहे, 6 लाख निकले अकाउंट में से डेथ के बाद। और उधर आर्मी चीफ देख लो, वो दुबई दुबई मॉल में खरीदारी और उसके बाद फ्रांस में बैठा हुआ था, एक आर्मी गाली देता फ्रांस में बैठा था अगला, उसके बाद स्विट्जरलैंड गया। या, देखो मैं आपकी बात बिल्कुल सहमत हूँ, हमारे जो लेकिन वो जो सेक्रीफाइस है ना, उसे कंगला शब्द की जगह हम ये कह सकते हैं कि उनका त्याग है, आर्मी में रह के बिजनेस हो रहा है।
आर्मी क्या नहीं कर रही, आर्मी तो जो मर्जी तो देश बर्बाद कर दिया। आज देश हमारा इसलिए है क्योंकि आज देश हमारा इसलिए, चाहे मेरे यहाँ पॉलिटिशियंस भी हैं, वो करोड़ों अरबों के घपले करते हैं, उनके स्विस बैंक में से है ना घूम फिर के पैसा इंडिया में मिलेगा। हाँ, इनके इनके पॉलिटिशियंस भी कमाते हैं पाकिस्तान के और आर्मी के। अरे आर्मी डायपर बनाती है, आर्मी सीड्स बनाती है, आर्मी फूड लिमिटेड, आर्मी से पेट्रोल पंप चलाती है, आर्मी क्या नहीं करती यहाँ पे, बिजनेस तो बहुत तगड़ा है। शुगर मिले हैं आर्मी की जी, और उसके अलावा खाद बनाने की फैक्ट्रियां हैं, बहुत कुछ है, फर्टिलाइजर और शाम और ऐसा नहीं छुपा के ओपन में, फौजी फर्टिलाइजर लिमिटेड नाम है कंपनी का, कैसी बात कर रहे हो भाई साहब। हमारी आर्मी का सिर्फ एक काम है, लड़ना, इसके अलावा कोई काम नहीं है, काम खत्म। तो आपकी आर्मी की ट्रेनिंग खराब है, उनकी आर्मी देखो बाकी सारे काम भी करती है। भाई साहब चीन को थप्पड़ मार के भगाया था थप्पड़ों से, नहीं आपकी आर्मी लड़ना है उनकी आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी को देखो आप, पाकिस्तानी आर्मी का आप कैसी आर्मी लेके बैठो, क्या क्या ट्रेनिंग देते हो? आपकी आर्मी फर्टिलाइजर बना सकती है? नहीं बना सकती। आपकी आर्मी सीड बना सकती हो? देखो हम बना लेंगे, आप लड़ लेना, हमारे बॉर्डर की रक्षा कर लो बस। अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान 3 दिन तक पकड़ के बिठाए रखे और वो कौन सा था वो जगहों को खाली ना करवा पाए, हमारी 1 इंच जगह पे देख के तो देख, ठीक है मैं समझ गया। अभी कितने कितने हेक्टेयर जमीन लिए खैबर पख्तूनख्वा को हमें खेती के लिए, खेती करेगी आर्मी? कैसी बात करते हो यार आप, ट्रैक्टर और ऊपर से वो पानी भी देगी, खाद में खाद भी देगी, पानी भी देगी, खेती करेगी आपके आर्मी। हाँ, हमारी अपनी आर्मी को मान बता रहे हो आप, ऐसा हम सारे काम कर लेंगे उन्हें लड़ने दो, हम है ना बाकी काम के लिए। आपका सार्कैज़म जबरदस्त था। तो दोस्तों इस तरीके से डिबेट तो खैर लंबी जाती रहेगी, एक पॉलिटिकल सिनेरियो अभी बहुत कॉम्प्लेक्स है और मुझे लगता है कि हमारे को कम से कम 2-3 सेशंस इसके ऊपर करने अभी और पड़ेंगे, क्योंकि मैं एक डिटेल डिस्कशन इमरान खान पर रखना चाहता हूं और एक डिटेल डिस्कशन नवाज शरीफ पर और एक डिटेल डिस्कशन जो है वो तीसरी पार्टी बिलावल भुट्टो के ऊपर, और इन तीनों का क्रक्स 8 फरवरी तक क्या हो सकता है अगर इलेक्शन हुए तो। यानी सोचकर देखिए, डिक्लेरेशन के बाद भी हम सोच पा रहे हैं अगर इलेक्शन हुए तो। मुजफ्फर सर क्या सही कह रहा हूं मैं? ये चांसेस तो नजर आ रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएंगे। मैंने फिर आपको पहले भी बताया कि अगर खुदा ना खासा कुछ हादसा ना बड़ा इंसिडेंट ना हो गया तो इलेक्शन होंगे और इमरान खान पावर में नहीं आएगा, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि इमरान खान की गवर्नमेंट नहीं बनेगी। तो इसी कंक्लूडिंग नोट के साथ आज हम विदा लेते हैं, अगले टॉपिक पे अगले डिस्कशन पे तब मैं मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर जी, नमस्कार, बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद।